सहजन की सब्जी को प्लेन भी बनाया जाता है और आलू के साथ भी। सिंधी लोग यूजली सहजन को प्लेन ही बनाते हैं। आज मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी को नमस्ते, वेलकम टू गुड रेसिपीज बाय शिवानी। सहजन की सब्जी बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इसी के साथ 6 लहसुन की कलियां मैंने ली हैं। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। प्यूरी तैयार है तो चलिए सब्जी बनाना भी शुरू करते हैं। एक कुकर को गर्म करेंगे, इसमें 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। मैंने सरसों का तेल यूज किया है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे ब्राउन होने तक चटकने देंगे। अब इस गर्म तेल में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/3 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर हम डाल देंगे। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं। अब जो हमने टमाटर अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था वो भी इसमें मिला देंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से। इस रेसिपी में ग्रेवी के लिए प्याज का यूज़ नहीं करते, सिर्फ टमाटर की ही ग्रेवी बनाई जाती है। अब 2/3 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर और स्वाद के हिसाब से हम नमक इसमें मिला देंगे। इसी के साथ थोड़ा कलर लाने के लिए 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने मिला दी है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें 6-7 मिनट तक इस ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी ऑलमोस्ट जल ना जाए। बीच बीच में ग्रेवी को लगातार चलाते रहना है। अब जब तक ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है तब तक हम सहजन को भी काट लेते हैं। सहजन की फली यूजुअली टाइट आती हैं, इसके साइड में जो डंठल है उसे हटा देंगे। चाहे तो इसकी स्किन को भी हल्का हल्का छील लीजिए, लेकिन स्किन छीलने से इसके रेशे और दिखाई देने लगते हैं, इसलिए मैंने इसे नहीं छीला है। इसके किनारी का डंठल हटा देंगे और बीच बीच से अगर कहीं से ये ज़्यादा हार्ड ब्राउन दिख रही है तो उस पार्ट को भी हम अलग कर देंगे। अब करीब 1-1.5 इंच के टुकड़ों में हम सहजन की फलियों को काट लेंगे। काटने से पहले फलियों को धो जरूर लें, जिससे कि अगर इसके ऊपर कुछ मिट्टी वगैरह लगी हो तो वो साफ हो जाएगी। और देखिए, मैंने सभी फलियों के 1-1.5 इंच साइज के लगभग टुकड़े काट लिए हैं। अब देखते हैं कि हमने जो ग्रेवी चढ़ाई थी वो तैयार हो गई है या नहीं। अब इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसे 2-3 मिनट तक और जलाएंगे। ग्रेवी को लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये कि तली में ना लगने लगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और ये देखिए 2-3 मिनट के बाद ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। ऑलमोस्ट इसका पानी जल चुका है। अब इसमें हम कटी हुई सहजन की फलियां मिला देंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ी ग्रेवी के साथ अगर सहजन की फलियां बनाएं तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। नॉर्थ इंडिया में तो इसे यूजुअली सब्जी के रूप में खाया जाता है, लेकिन साउथ में इसे सांभर में डालकर भी खाते हैं। इंग्लिश में सहजन को ड्रमस्टिक बोलते हैं। अब थोड़ी सी पतली ग्रेवी की हमें सब्जी बनानी है, तो इतनी ग्रेवी में करीब 1 गिलास पानी मैंने मिला दिया है और सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अभी ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी सी लग रही है क्योंकि अभी इसमें सीटी लगेगी और पानी थोड़ा और जलेगा, इसलिए मैंने 1 कप के करीब पानी और इसमें मिला दिया है। एक बार सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ग्रेवी में इतने के करीब पानी मिलाना है जिससे सहजन अच्छी तरह से पक जाएंगी। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 2-3 सीटी आने तक हम सब्जी को पका लेंगे। सहजन की फली जल्दी ही गल जाती हैं। और ये देखिए, 2-3 सीटी के बाद सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इस कंसिस्टेंसी की ग्रेवी बनी है, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। अब इस गर्म सब्जी में हम सबसे लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया और मिला देंगे। हरा धनिया से सब्जी में और बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। और बस सब्जी बनकर तैयार है। इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व करिए। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से ये सब्जी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसमें आलू भी मिला सकते हैं, पर बिना आलू के बनाने से सहजन का और बढ़िया फ्लेवर सब्जी में आता है। आयरन और कैल्शियम से भरपूर ये फलियां खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं।
आप भी एक बार मेरी तरह से सिंधी स्टाइल से सहजन की सब्जी बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।